तक मैंने ये सीन है ना, ये आज तक मैंने सिर्फ फोटो में देखी थी, आज बाइक रोड सामने खड़े होकर देख ली, भर गया मेरा मन, भर गया। गुड मॉर्निंग गाइस, विद द डे 4 वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। आप देख सकते कितने जैम पैक्ड हैं हम लोग चारों तरफ से, एकदम -7 चल रहा है। I'll just show them what's the temperature। और यहाँ से आज सबसे टफेस्ट राइड होने वाली है हमारी, क्योंकि हम लोग को बेनी तक भी पहुँचना है, विच विल टेक अराउंड 6 hours, एंड आफ्टर दैट -7 बज रही है 4:30। आज साढ़े चार नेपाल से निकलना है किसी भी हाल में, नहीं तो हमारा लगेगा फाइन। हाँ, परमिट आज लास्ट डे का है हमारा, निकलना है तेजी से, जल्दी से जल्दी, और इन बिटवीन डेविस फॉल और एक जगह और घूमना है, वो भी कंप्लीट करना है। सो दीज आर द आइटनरीज, बहुत टाइट शेड्यूल है, अगर गड़बड़ाया तो डेविस फॉल और आपका लेक गया। इसी के साथ हम लोग नीचे चलते हैं और पैक करके सीधा निकलते हैं। रात है, दिखाने के लिए कुछ नहीं, जैसी सुबह होती है मैं आपको पक्के साढ़े हुए रास्ते दिखाऊंगा। ओके, दैट्स ऑल, हम निकलते हैं हम लोग। अ वेरी गुड मॉर्निंग, और हम लोग जॉमसम वैली में हैं। इट्स सो नाइस हियर, और मज़ा आ रहा है। जॉमसम वैली पार हो गया भैया, वो दिखाओ अभी। अरे, और ऊपर देख सकते कितने ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं। आज तक मैंने ये सीन है ना, ये आज तक मैंने सिर्फ फोटो में देखी थी, आज बाइक रोड सामने खड़े होकर देख ली, भर गया मेरा मन, भर गया। और इतना जो दूर है ना, ये रोड दिखाइए लोगों को, ऐसी रोड है 100 किलोमीटर की। यही है रोड नहीं, पत्थर पत्थरों में चल रहे हैं हमारे डोमिनर, और यहाँ के लोगों तो मतलब वो लोग इसी रोड में उड़ा उड़ा के चलाते हैं। बाइक की कोई परवाह नहीं, ऑल्टो चलती है भाई यहाँ पे, ऑल्टो। एक तरफ वो बड़ा बड़ा 4x4 का गाड़ी चलता है और बगल से ऑल्टो निकलती है। हाँ। वाह। और पल्सर यहाँ 30-40 से स्पीड कम नहीं चलती, और यहाँ हम 20 का स्पीड नहीं चला पा रहे ढंग से, और यहाँ तो इतना 220 देख लिया जितना जिंदगी में कभी नहीं देखा। चलिए फिर आगे मिलते हैं, थोड़ा सा अच्छी जगह दिखेगी कोई। वेलकम बैक वंस अगेन,
पहाड़ियों में हम लोग एंड सो यहाँ के लोग कितने, मतलब अभी तक मैंने एक चीज़ फील किया है यहाँ पर कि आपको कोई भी लोग मतलब चीट नहीं करेगा, देर क्वाइट गुड। इट्स लाइक कि मतलब जैसे होते ना बच्चे की भाई अनटच्ड रहते हैं जब तक, सो दे आर अनटच्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नॉट कंट्री। सो इट्स लाइक कि उन लोगों को पता नहीं है कि व्हाट इज क्रुएल्टी एंड ऑल द थिंग्स। सो दैट इज द बिग थिंग। और हाँ, यहाँ पेट्रोल का भी दिक्कत होता है, सो आप लोग ये ध्यान रखें कि पेट्रोल अपने साथ एक दो लीटर कैरी कर लें। नहीं तो ऐसे कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप लोग यहाँ पेट्रोल मिल जाएगा पर थोड़ा सा कॉस्टली होगा, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। प्लान है कि सबसे पहले बेनी हम लोग जल्दी से जल्दी पहुँच जाएँ। बेनी इज़ अराउंड 45 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, सो अकॉर्डिंग टू गूगल एंड अकॉर्डिंग टू आर एक्सपीरियंस इट विल टेक नियरली 2.5 hours। सो करेंटली इट्स 9:55, सो वी विल बी देयर बाय 12:30। सुबह में इतना ज़्यादा ठंडी था कि मीन्स मतलब दिक्कत हो गया, पानी हम लोग का जूता में घुस गया था। एंड एक टाइम तो मेरे को ऐसे लग रहा था आई एम नॉट फीलिंग माई बोथ द लेग्स। सो दिक्कतें बहुत हैं यहाँ पर जो दिक्कतों से आगे निकलता है भाई। अब आप ऐसे बोलेंगे ये साला डायलॉग मार रहा, पर ये है कि डिफ़िकल्ट है, इट इज़ डिफ़िकल्ट। और कंपैरिजन टू लद्दाख मैं कर नहीं सकता क्योंकि आई हैवन्ट डन लद्दाख वंस, सो दिस इज़ माई फर्स्ट ट्रिप टू द माउंटेन्स। एंड आफ्टर बेनी द रोड्स आर गुड, एटलीस्ट देर आर रोड्स। आई डोंट से दीज आर रोड्स बट दे आर मेकिंग दिस रोड, सो होपफुली बाई आफ्टर 5 years when आई केम बैक वंस अगेन आई विल फाइंड रोड्स। कल रात का जर्नी के बारे में तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, इतनी डेंजरस थी रात में। हम लोग गुम हो गए, लिटरली गुम हो गए नदी में, हम लोग किधर किधर घुस रहे थे। फॉर्चुनेटली सम पीपल आर देयर हु आर वर्किंग एज ए लेबर ओवर देयर टू मेक अ ब्रिज, सो आई वॉज रिमेम्बरिंग द ब्रिज एंड द टर्न बट वी आर नॉट एबल टू फाइंड दैट टर्न, सो वी बोथ गॉन अहेड एंड केम बैक एंड वी क्रॉस द स्ट्रीम ट्वाइस एंड थ्राइस एंड ड्यू टू दैट स्ट्रीम कोल्ड वाटर और लेग गॉट फ्रीज, तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी दिक्कत थी। एंड रोड्स आर लाइक दिस होल वे, सो हम लोग बेनी पहुँच गए हैं एंड आफ्टर अ राइड ऑफ 7 hours वी आर इन बेनी एंड it is 75 kilometers ride। so yahan hum log petrol pump ke liye ruke hain, ab yahan se full tank kara ke seedhe niklenge। nikalte hain, milte raste pe aapko। petrol bhar gaya hai, gaadi ki bhook mit rahi hai, pet bhar diya apni jaane man ka humne। नेक्स्ट प्लान यही है कि पोखरा में हम लोग को लंच करना है, सो इट्स ऑलरेडी 12:55। डिविस फॉल एंड
आपका लेक, एक घंटा और खाना, सब कुछ एक साथ 20-20 मिनट में करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिक्ट शेड्यूल पे हैं। आज रात 11 बजे से पहले तक हम लोगों को पहुंचना है नीचे, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट, बट वी विल डू इट। क्या बेवा लेक? बेवा, PHEWA, बेवा लेक। बेवा लेक। अब यहाँ से हम लोग लंच करके निकलेंगे रक्सौल की ओर। पता नहीं कितना बजेगा, अभी 3 बज चुके हैं, लंच करने में आधा घंटा, 4 बजे यहाँ से निकलेंगे। रक्सौल कब पहुँचेंगे कुछ पता नहीं, फ़ोन में टावर नहीं है, इंटरनेट नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ बता नहीं पा रहे हैं, बस घूमे जा रहे हैं। चलिए, बस यही लेक है जो भी है सो है, हम लोग की बाइकें हैं, बस पर यही पोखरा है, दैट्स ऑल। इन अ होटल, नॉट अ होटल, इट्स अ रेस्टोरेंट, मेरी समझ नहीं आना चाहिए। और हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है नॉन वेज थाली आपका, और एक ये सिंपल सा रेस्टोरेंट है, काफ़ी सिंपल सा। और ये हम लोग की बाइक्स खड़ी हुई हैं इस तरफ में, पूरा एग्जॉस्टेड हूँ मैं इस टाइम पे, लगातार सुबह 5 बजे से लगातार राइड कर रहे हैं, लगातार अब 3 बजने को आ गया, राइट नाउ 3 o'clock। और सबसे ज़्यादा दिक्कत हम लोगों ने 15-20 मिनट बीच में हम लोग को रुकना भी पड़ा, कह जाएगा 15-20 मिनट ऊपर आधा घंटा कह सकते हैं, तो बहुत दिक्कतें फेस की हैं। और अभी बहुत लंबी राइड बाकी है, यहाँ से 260 किलोमीटर और कवर करना है, जिसमें 20 किलोमीटर का एक गंदा सा पैच भी है जिसको कवर करने के लिए 1 घंटा लग जाएगा, जिससे हम आए थे। और यहाँ बस लेक ही देख पाए, डेविस फॉल देखने का एटनरी में था, बट आपका मुक्तिनाथ से नीचे आते हुए बहुत टाइम लग गया, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू सी द डेविस फॉल। अब देख ही रहोगे कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ, सही में रियली में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ, आई नीड अ रेस्ट। और 25 मिनट में अपना खाना जाएगा, तो इतना मैं रेस्ट करता हूँ। ओके, देन आपके सड़क पे मिलते हैं, टाटा बाय बाय। चाय का टाइम हो गया, टाइम क्या हो गया वो दिखा दीजिए, दिखे नहीं रहा है। अरे वाह, दिख गया। सो हम लोग का चाय का टाइम हो गया, उसका खत्म करो और जल्दी चलो।
खटाक से निकलते हैं इधर से। धनबाद जाना है, धनबाद धनबाद जाएंगे आज। अभी हम लोग कितना घंटे राइड कर लिए? 14 घंटे 6 मिनट 14 घंटे 6 मिनट राइड कर लिए अभी तक। 350 किलोमीटर हुआ है, नहीं 301 किलोमीटर 300 हाँ वही लगभग 301 किलोमीटर हुआ है। सो हालत पंचर, 3 घंटे में पहुंचना है। बंद हो गया और हम लोग यहाँ से खटान निकलना है, चलते हैं नीचे। रोड आपको दिखाने लायक कुछ है नहीं, फालतू की रोड है। रोड यहाँ पे अच्छी है, फालतू की रोड दिन में अच्छी है, रात में क्या दिखाएगा भाई। तो अभी भी हम लोग 80-90 पे चला रहे हैं, और क्या चाहिए आपको। चलिए ठीक है। और क्रिसमस के नाइट पे हम लोग कर रहे हैं राइड बैक टू रक्सौल, विच इज़ अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। इट विल टेक 2.5 hours टू रीच देयर बिकॉज ऑफ द माउंटेन एरियाज एंड द रोड विच यू आर सीइंग राइट नाउ। वी कैन क्रूज एट 70 and 80s, बट बियॉन्ड दैट इज़ नॉट पॉसिबल। And some bad patches is also there in this road, so we have to be careful. And due to those bad patches, our average speed goes down. So, सारा खेल यही है,